नरेंद्र मोदी द्वारा बीजेपी सदस्यता अभियान बनारस में शुरू करने के साथ ही आजमगढ़ में भी प्रदेश मंत्री द्वारा जो है बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई और इस दौरान नए लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट राम सकल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत जैसे ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू की, वैसे ही अन्य जिलों में भी इस अभियान का असर दिखने लगा। अन्य जिलों में भी इस अभियान की शुरुआत होने लगी। आजमगढ़ जिले में नगर के रिक्शा स्टैंड परिसर में प्रदेश मंत्री त्र्यंबकम ने नए सदस्यों को सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभियान 3 चरणों में आज से शुरू होकर 11 अगस्त को समाप्त होगा। आज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से अनुप्राणित होकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। उसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती 6 जुलाई के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में 11:30 बजे सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया और उसके पश्चात पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर इस सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ। आजमगढ़ में भी यहाँ पर हम सब ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। अनेक ऐसे नए बंधु बांधव भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उनको हम सब ने सदस्य बनाया। ये सदस्यता अभियान 6 जुलाई से चल करके और 11 अगस्त तक चलेगा। 11 अगस्त को इस सदस्यता अभियान का समापन होगा। सदस्यता के हमने 3 स्वरूपों में इसको करने का तय किया है। बूथ पर हम सदस्यता करेंगे, कैंप लगा के सदस्यता करेंगे और विशेष समूह की सदस्यता करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे था राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में। वहाँ पे मैं विगत वर्षों में जितनी काम करना चाहिए मुझे, मैं गरीबों के लिए, असहायों के लिए लड़ाई लड़ते रहा हूँ। लेकिन आपको भी पता है कि आज के टाइम में आप गरीबों और असहायों का अगर काम करना है, उनकी मदद करनी है, तो जो सपना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा हुआ है उनके साथ चल के ही हम कर सकते हैं। जो कार्य उनके राह पे चल के या उनके साथ चल के हम कर सकते हैं, वो किसी अन्य दल में या किसी और पार्टियों में रह के हम नहीं कर सकते हैं। ये मुझे जब एहसास हुआ तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनके साथ चल के गरीबों और असहायों के लिए लड़ाई लड़नी है, उनके लिए कार्य करना है। सबसे पहला उद्देश्य तो मेरा यही है कि आजमगढ़ का विकास हो। जैसे ही कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से बनारस में आए हैं विकास की लड़ियां लगा दिए हैं। जो हमारा बनारस पहले कीचड़ की नलियों में घूमा करता था, आज वहां पे विकासों की अनगिनत गिनती गिनाया जा सकता है। और यही सपना मेरा भी है कि आजमगढ़, जो कि आज भी कहीं ना कहीं रेलवे लाइन के लिए मोहताज है बनारस से लेके आपके गोरखपुर तक, उसका कार्य जल्दी से जल्द हो और आजमगढ़ में जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं को तुरंत उसका निष्कासन करते हुए जितने भी विकास कार्य हम ला सकते हैं आजमगढ़ में वो हम लेके आए। विगत 2 से 3 वर्षों में आपको आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ आजमगढ़ के विकास के लिए, वो कहीं ना कहीं सार्थक होते हुए आपको दिखाई देगा।